ऑलराइट गाइस, तो कल जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट अपलोड की थी, उस पोस्ट का फाइनली ट्यूटोरियल आपके सामने हाजिर है। आप बना पाएंगे उस तरीके का फोटो, एंड बनाने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई टक्साल ऐप। टक्साल ऐप एक ऐसा ऐप है जहाँ पर आप प्रिडिक्शन करके अर्न कर सकते हैं 9x। जैसे कि अगर आप 10 rupees इन्वेस्ट करते हैं तो आप 90 rupees अर्न कर सकते हैं, विन कर सकते हैं। एंड विन की हुई मनी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में। एंड इसमें रजिस्टर करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस आपको अपना नंबर डालना है, OTP आएगा एंड आप रजिस्टर हो जाएंगे। तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। ऑलराइट गाइज, तो सबसे पहले आप ओपन करें अपना पिक्सी प्रो, एंड आप पिक्सार्ट की जगह अगर इसमें करते हैं तो काफ़ी अच्छी आपको क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप गेट अ पिक्चर पर जाएं एंड इंपोर्ट ऑप्शन में जाएं, ठीक है। यहां से मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बैकग्राउंड दूंगा, तो उस बैकग्राउंड को आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड मैक्सिमम साइज चूज करके उसे ओपन कर लेना है, ठीक है। देन इसके बाद जो हमने फोटो क्लिक कराया होगा, आपको जो फोटो क्लिक कराना है वो जंप करते हुए फोटो क्लिक कराना है, ध्यान रहे। एंड उसके बाद आपको अपने फ़ोटो का जो है कटआउट निकाल लेना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का हमारा जो फ़ोटो है वो कुछ इस टाइप का जंप करते हुए था। आप कोई भी चीज़ पर, स्टूल पर हैंड रख के जंप कर सकते हैं, कुर्सी पर हैंड रख कर जंप कर सकते हैं, मतलब थोड़ी सी ऊंची कोई चीज़ हो तो उस पर आप हैंड रख के अपना जंप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी आप देख सकते हैं एक पोल पर जो है एक हैंड लगा हुआ है ऑलरेडी, तो उस हैंड को आप रिमूव ना करें, क्योंकि होगा क्या कि आपका जो वो ऑलरेडी जो हैंड लगा हुआ है वो एकदम परफेक्टली सेट हो जाएगा, बस आप अपने हैंड को उस हैंड पर एकदम परफेक्टली एडजस्ट कर दें, ठीक है। तो छोटा बड़ा आप देख लीजिएगा एंड इसके बाद आपको यहाँ पर ये एडजस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको एक PNG लेनी है, इफेक्ट ऑप्शन में चलेंगे एंड इंसर्ट पिक्चर में चलेंगे, एंड वो PNG आपको लेकर आनी है। तो यहाँ पर रखी होगी हमारी ये PNG, तो इस PNG को क्या करना है, हमें अपने सर के ऊपर इसे एडजस्ट करना है, जैसे कि जंप करते पर वो फ्लाई कर रही है, तो कुछ इस टाइप का हमें सीन बनाना है। एंड अगर आपको कटआउट वगैरह यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पार्ट मिले तो आप उसे रिमूव कर देना, एंड बाकी इस टाइप से आपको ये एडजस्ट कर देना है, ठीक है। नाउ अगर आप अपना लोगो लगाते हैं तो आप लोगो भी लगा सकते हैं, तो लोगो किस टाइप से लगाते हैं यहाँ पर, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर वाइट हमारा आसमान है तो हमको ब्लैक लोगो लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एडजस्ट करूँगा ये वाला लोगो, ठीक है। एंड ये लोगो लेंगे हम, एंड 3 dots पर जाएंगे, ब्लेंड मोड में जाएंगे, एंड यहाँ से हमको मल्टीप्लाई कर देना है, एंड उसके बाद हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा एंड हमारा लोगो एकदम परफेक्टली सेट हो जाएगा। अब गाइज हमको क्या करना है, इस इमेज को एक्सपोर्ट एंड सेव पिक्चर में जाकर यहाँ से कर देना है इसको सेव, ठीक है। एंड अब ओपन करना है अपना लाइट रूम। ओके गाइज, तो हमारा जो फोटो है वो ओपन हो चुका है लाइट रूम में। तो यहाँ पर जैसा मैं रीटच करूँगा सेम एज इट इज़ आप रीटच करें, सबसे पहले लाइटिंग ऑप्शन में जाकर इसकी हाइलाइट्स को बढ़ाएं, ठीक है। हाइलाइट्स बढ़ाने के बाद आप इसका वाइट कलर बढ़ाएं, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपका बैकग्राउंड एकदम अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा एंड बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब गाइस सीधा आप चलेंगे कलर ऑप्शन में एंड मिक्स टूल में जाएंगे, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले ब्लू कलर की सैचुरेशन माइनस कर देनी है, एक्वा ब्लू कलर की सैचुरेशन माइनस कर देनी है, ठीक है। देन इसके बाद येलो कलर की भी बिल्कुल सैचुरेशन माइनस कर देनी है। अब जाते हैं हम अपनी स्किन टोन में, इसकी सैचुरेशन बढ़ाकर ल्यूमिनस बढ़ा देनी है ताकि हमारे स्किन पर अच्छे से ल्यूमिनस आ जाए। अब गाइज हमको क्या करना है, यहाँ से डन कर देना है एंड अब जाना है हमको इफेक्ट ऑप्शन में स्प्लिट टोन में, ठीक है। एंड स्प्लिट टोन में जाने के बाद हमको शेडोज़ में कुछ इस टाइप की ब्लू टोन डाल देनी है, एंड अब जाना है हाइलाइट्स में। हाइलाइट्स में जाने के बाद येलो टाइप की कुछ टोन इस टाइप से डाल देनी है, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ इस टाइप से आप टोन डालेंगे। टोन डालने के बाद इफेक्ट ऑप्शन में हम क्या करेंगे, इसकी क्लैरिटी को बढ़ाएंगे 16% एंड इसका डी एच बिल्कुल मत बढ़ाइए, ठीक है। एंड इसके बाद आप अभी देखिए इसका बिफोर कितना अलग लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, एंड आफ्टर सारा कुछ एकदम परफेक्टली मैच हो चुका है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, एंड टक्साल ऐप को आप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।